हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है दुष्यंत, मैं हूं आपका होस्ट। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा यूके के विजिटिंग वीजा के बारे में। जी हां दोस्तों, यूके ने अपने विजिटिंग वीजा ओपन कर दिए हैं, जिसमें आप इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्थन आयरलैंड को आप विजिट कर सकते हैं। कुछ प्राइजेस वीजा में इंक्रीज हुए हैं, जिसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो जो वीजा है, फर्स्ट जो स्टैंडर्ड वीजा है, वो आपको 6 मंथ के लिए मिल रहा है यूके विजिट करने के लिए। तो वीजा के जो प्राइजेस हैं, वो कुछ इस तरीके से है। अगर आप वीजा ले रहे हैं 6 मंथ का विजिटिंग वीजा, उसका प्राइस है 100 स्टर्लिंग पाउंड। अगर आप वीजा ले रहे हैं 11 मंथ के लिए, तो उसका प्राइस है 200 स्टर्लिंग पाउंड। अगर वीजा है आपका 2 साल के लिए, उसका प्राइस है 376 पाउंड। 5 साल के लिए है, तो उसका प्राइस है 670 स्टर्लिंग पाउंड। एक्चुअली आप जा रहे हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, आप किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, या फिर आप कोई अकेडमिक के लिए जा रहे हैं। अकेडमिक के अंदर क्या आएगा, आपका कॉलेज रिसर्च, या फिर कोई कॉन्सर्ट, या फिर आप कोई कॉलेज की तरफ से कोई टीम के लिए जा रहे हैं, या फिर कोई रिसर्च के लिए आप जा रहे हैं, वो आपके अकेडमिक में आएगा। या फिर आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं, मेडिकल में दोस्तों क्या है, आपको अपना डॉक्टर से रिटर्न दिखाना पड़ेगा कि आप कौन सा ट्रीटमेंट पे हैं और कहाँ आपको ट्रीटमेंट फर्दर लेना है, तो इसके लिए आपको दिखाना होगा उसमें। इसके बाद दोस्तों, अगर आप यूके में ऑलरेडी हैं और अपना वीज़ा एक्सटेंड करना चाह रहे हैं 6 मंथ के लिए, तो आपको 1000 स्टर्लिंग पाउंड पे करना पड़ेगा। अगर आप दोबारा से करना चाहते हैं, तो आपको अगेन 1000 स्टर्लिंग पाउंड पे करना पड़ेगा। ये फीस 1000 पाउंड हर बार के लिए आपको पे करना रहेगा, जिससे आपका वीज़ा 6 मंथ के लिए और एक्सटेंड हो जाएगा वाइल यू आर स्टेइंग इन यूके। दोस्तों, ये था कुछ यूके के वीज़ा के बारे में। सिंपल सा आपको मैं स्क्रीन पे ले जाके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप चूज़ कर सकते हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या है, किस प्रायोरिटी के अंदर आप जा सकते हैं, कितने दिन के लिए आप स्टे कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, आपको वीज़ा लेने से पहले 3 मंथ पहले अप्लाई करना होगा। आप प्लानिंग कर रहे हैं, मान लीजिए अगस्त में आप घूमने के लिए, तो आपको मई में वीज़ा के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। आपको अपना फंड शो करना पड़ेगा, 10,000 स्टर्लिंग पाउंड फॉर विजिट। आपको अपना फंड है तकरीबन 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में शो करना पड़ेगा, ताकि आप अपना लिविंग एक्सपेंसेस शो कर सकें यूके में रहने के लिए। तो ये था आज के वीज़ा के बारे में दोस्तों। विजिटिंग वीज़ा ओपन है। कोरोना के बारे में दोस्तों बात करें, कोविड का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरा ये भी परसों ही मेरा फ्रेंड लंदन से आया है, उसका नाम हर्षदीप है, उसके साथ मैं आगे की वीडियो बनाऊंगा लंदन अकोमोडेशन के बारे में, लंदन कॉलेज के बारे में, लंदन लाइफ के बारे में, हाउ ही इज़ लिविंग देयर, हाउ ही इज़ मैनेजिंग ऑल द स्टफ इनसाइड लंदन। तो ये सारी वीडियो मैं उसके साथ में बनाऊंगा। तो मैंने उससे पूछा कि कोविड के बारे में क्या रेस्ट्रिक्शन है, तो कोविड का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है यूके गवर्नमेंट की तरफ से, आप फ्रीली जा सकते हैं, बस आपको वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था, आप बिना मास्क के वहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं, कोई भी आपको आरटीपीसीआर टेस्ट का रिजल्ट नहीं दिखाना, आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हो। तो ये एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, आप ट्रैवल कर सकते हैं। और मेरे भाइयों, YMS यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा जल्दी ही ओपन होने वाला है, इसका वीडियो मैं डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके देखिएगा, रेडी रहिए उसके लिए। बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 3000 वीज़ा वॉलेट वीज़ा यूके देने जा रहा है। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपना गूगल ओपन कर लिया है। गूगल क्रोम पर आप जाके सर्च करेंगे www.gov.uk। इसके बाद वेलकम टू गवर्नमेंट टू यूके पे आप सर्च करेंगे। मेनू के बगैर में सर्च बार है, मेनू के जो साइड में सर्च बार है, वहाँ आप जाकर सर्च करेंगे विजिट वीज़ा। ओके, विजिट वीज़ा पे जाके अब हम ओवरव्यू विजिट ऑन बिजनेसेस। तो उसमें पहले ही लिखा हुआ है कोर्स अप टू 6 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा आप लोग स्टे नहीं कर सकते। विजिट ऑन वीज़ा परपजेज में देखेंगे क्या है, अटेंड ऑन इंटरव्यू, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, नेगोशिएट एंड साइन डील्स एनी कॉन्ट्रैक्ट। इसमें काफ़ी सारे हैं, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से आपको अप्लाई करना है वीज़ा के लिए। एंड अकेडमिक्स के लिए जा रहे हैं आप, अकेडमिक्स में क्या है, टेक अ पार्ट इन फॉर्मल एक्सचेंज अरेंजमेंट विद यूके काउंटर पार्ट्स, टेक पार्ट इन रिसर्च टीचिंग, कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आप जा रहे हैं। मेडिकल रीजन में क्या होगा, अगर आपको कोई बीमारी है, और लेकिन इसमें एक चीज़ है, आपका जो है हॉस्पिटल यहाँ से रिटर्न में देगा कि यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, आपको यूके में किसी अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेना है।
तो ये आपको हॉस्पिटल की तरफ से एक लेटर होगा, उसके बिहाफ पे आपको वीज़ा मिल जाएगा, विजिट वीज़ा। लेकिन इसमें जानने के लिए बात ये है कि इफ़ यू वांट टू स्टे मोर देन 6 मंथ यू कैन अप्लाई वाइल यू आर इनसाइड यूके, बट यू हैव टू पे 1000 स्टर्लिंग पाउंड, 1000 पाउंड आपको पे करना होगा अगर आपका वीज़ा आपको एक्सटेंड करना है मोर देन 6 मंथ व्हेन यू आर स्टेइंग इन यूके। इसके बाद इफ़ यू आर अंडर 18 यू हैव टू गेट एन कंसेंट फॉर्म बाय योर पेरेंट्स। इसमें लिखा हुआ है सीधा सीधा आपको अपना पेरेंट्स का कंसेंट फॉर्म देना होगा, विलिंगली दे आर सेंडिंग यू और दे आर विलिंगली एग्री टू सेंड यू फॉर अ विजिट इन यूके। आपका कंसेंट फॉर्म होगा, आपके फंड्स चेक किए जाएंगे, आपके सेटलमेंट देखे जाएंगे, टिकट्स वगैरह के, आपके रहने के, जिसमें आपका 10 लाख रुपये आपको शो करना होगा आपके अकाउंट में। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं ऐसे ही आपके लिए लगातार यूके से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा। और मेरे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में, फैमिली में, चैनल को लाइक करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।